हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम टीसी तो रोज और स्पोर्ट नहीं करने वाले। आज की बिल्कुल तो वीडियो तो स्किप मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं डैड पो हंस भाई का एक दोस्त है, उसकी मम्मी तो कुछ बीमारी है, इसलिए यार पेटीएम और UPI सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग जाते जाते पेटीएम कर देना, और जो लोग पेटीएम नहीं करते हो और UPI नहीं करते हो तो इस वीडियो तो शेयर कर देना कि यार टीसी की मम्मी की जान बच सकती है इससे, और इस वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसलिए क्योंकि यार राइस यार टैड पो हंस भाई लाइव कर रहे थे और उन्होंने सारा प्रूफ तो मैं अगर यहाँ तक का एक्सप्लेन करूँ भाई के हिसाब से, तो भाई मतलब मम्मी इनकी कुछ काम कर रही थी घर के अंदर एंड अचानक से चीखी जोर से, उसके बाद थोड़ी वॉइस उनकी लो होने लग गई। तो जब भाई मम्मी के पास गए अपने, तो देखा कि क्या बेहोश हो गई थी क्या उस टाइम पे? हाँ बेहोश हो गई थी। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था भाई कि मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। एंड ये जो पवन भाई हैं, इनके पापा ड्राइवर हैं, ठीक है, और इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है इनके घर की कि ये अपने मम्मी का इलाज करवा पाएँ। एंड इनके घर पे जो सीन है कि एक महीने से इनकी मम्मी ICU में है, ठीक है, एक महीने हो गए ना ऑलमोस्ट। हाँ भाई ऑलमोस्ट 13 तारीख को, और आप लगा लो जी ऑलमोस्ट 13 तारीख से, यानी कि 13 पिछले मंथ के 13 से ना। हाँ पिछले मंथ के 13 से अभी तक के 13 तारीख आने वाली है, इवन दीपावली भी आने वाली है, ठीक है। अभी तक इनकी मम्मी ICU के अंदर हैं, क्यों? क्योंकि इनकी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ठीक है, आज से 1 मंथ पहले। एंड तब से उन्होंने 1 मंथ से कोई बात की है तुमसे? नहीं भाई, इनका आवाज़ का सेंस है वो चला गया है। देखो विदाउट वेंटिलेटर, यहाँ पे अभी वेंटिलेटर प्लस ऑक्सीजन मास्क सब कुछ अप्लाई हो चुका है, ठीक है। एंड भाई खाना वगैरह कुछ खा पा रही है या नहीं? नहीं यार, मम्मी के नाक पे एक पाइप लगा हुआ है, जब स्ट्रोक हो जाते तो लोग मतलब मुंह से नहीं खा पाते, ठीक है। अच्छा, बहुत कोई खा पाते बट इनका सेंस ही नहीं होता, जैसे अच्छा। उनका नहीं होता तो नाक से पाइप डालते, उनको बस लिक्विडिटी हो रहा है अभी ऑल ओवर। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, डॉक्टर्स ने क्या बोला है कि कितने मंथ में रिकवरी हो जाएगी एंड क्या चांसेस हैं, ऑपरेशन वगैरह कुछ बोला है क्या? उन्होंने 3 तरह की चीज़ बोली, एक तो 1 साल या फिर 6 महीने, और जो थर्ड वाला है वो तो समझ ही जाओगे क्या बोल रहा है। 1 साल या 6 महीने? हाँ, और मतलब होश वगैरह में कब तक आएंगी? 1 मंथ हो गया तो कुछ बताया नहीं है। होश वगैरह में जो एक उनका ब्लडिंग है वो जब तक मतलब कम नहीं हुआ तब तक होश में, तब पूरा तरीके से होश में आना। अच्छा, फैमिली की कितनी इनकम हो जाती होगी ऑल ओवर, अगर तुम्हारे फैमिली की बात की जाए तो मंथली? तो भाई पापा दिन में या फिर जब पैसेंजर अच्छे होते हैं 600-500 का कुछ, अब मंथ में मिला लो। डॉक्टर बोल रहे हैं अगर तुमने बिल पेमेंट नहीं किया ICU से निकाल दिए जाएंगे, ICU से निकाल दिया तो क्या हो सकता है समझ लो। अगर 1 मंथ से होश नहीं आया है, ICU से निकाल दिया गया भाई, क्या हो सकता है समझ लो, ठीक है। अभी 1 मंथ से भाई उनके इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। अभी मैं तुमको रिपोर्ट्स वगैरह भी शो कर देता हूँ, वरना भाई जानते ही हो कैसी भी सिचुएशन हो बंदे हेटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। चलो अभी यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, मैं देख सकते हो यहाँ पे ये है रिपोर्ट्स, ठीक है, इसको कट करता हूँ, ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये है 4 तारीख की रिपोर्ट, वेंटिलेटर का बिल 25,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे 4 तारीख की बिल है 4/11। उसके नीचे अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन चीज़ों का एंड यू कैन यूज़ इन योर वीडियोस। यहाँ पे 7 तारीख का है, ठीक है, बिल देख सकते हो, ये दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और है, देख सकते हो 7 तारीख का बिल दवाइयों के लिए। एक और यहाँ पे बिल देख सकते हो जो कि है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, अभी गुवाहाटी में ही है क्या, स्टार्टिंग से ही गुवाहाटी में रखा हुआ है? नहीं भाई, पहले मैंने DMC मतलब हमारे उधर का लोकल जो है उधर रखा था। अच्छा अच्छा, उधर से रेफर करके इधर लाए। यहाँ पे देख सकते हो ये देखो, 4 दिन उसके बाद, क्योंकि उधर कैरी नहीं करते थे, सलाइन वगैरह लेके रखते थे। अच्छा अच्छा, उधर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे उधर। एंड यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग इसका क्या बोलते हैं, ये देखो 17 तारीख का बिल है, 17 तारीख का बिल आया हुआ है 27,000 रुपये।
तो ये चीज़ें हैं, अब तुम, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। इस रिपोर्ट्स तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन योर वीडियोस, जिसको भी यूज़ करना है, जिसको भी वीडियो बनाना है, एवरीवन इज फ्री फॉर दिस। एंड प्लीज़ डोनेशन, कोई भी शॉर्ट लॉन्ग क्रिएटर प्लीज़ डोंट टेक इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। डोनेशन अब इतना भी गिरे काम मत करना प्लीज़। अब ये फ्री फायर कम्युनिटी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सो प्लीज़ इतने भी गिरे काम मत करना। इफ़ यू आर मेकिंग वीडियोस, प्लीज़ एड दीज पेमेंट डिटेल्स जो कि मैंने पिन करके रखी हुई हैं एंड जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई, यही पेमेंट डिटेल्स तुमको यूज़ करना है। अगर तुम यूज़ कर सकते हो तो वीडियो बनाना, जिसके कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ये पेमेंट डिटेल्स पिन कर देना जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखी हुई हैं एंड यहाँ पे भी पिन करके रखी हुई हैं। सो अगर कोई वीडियो बनाता है तो यही जो पेमेंट डिटेल्स हैं इन्हीं को यूज़ करना, ठीक है, ठीक है। तो जो छोटा बड़ा अमाउंट, कुछ नहीं होता है कि छोटा अमाउंट डोनेट कर रहा हूँ या बड़ा अमाउंट डोनेट कर रहा हूँ, जो जैसे भी डोनेट कर सकता है यू कैन डोनेट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये है दवाइयाँ, देख सकते हो अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ गई, ये देख सकते हो 2,000 की एक एक दवाइयाँ हैं। अब सोचो कैसे भाई के ऊपर कितना बर्डन है, अकेला बंदा है, अभी सोच सकते हो तुम लोग। तो इस बंदे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो तो शेयर और कमेंट फूल करे, और इस बंदे तो जितना हो सके उतना पेटीएम और यूपीआई से डोनेट करे, और भाई लोग यार उससे आप लोग 2 और 3 रुपये भी डोनेट करो दे तो फिर भी इस भाई की हेल्प हो जाएगी। तो भाई लोग यार आप लोग तो जितना हो सके उतना पेमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।